या फिर इन स्टॉक्स को लेकर? सचिन के रडार पे भी एक्सिस बैंक, बीपीसीएल दोनों ही थे जो ऑलरेडी टॉप कॉल्स में मेंशन्ड है। पहले सिर्फ कविता जी कंप्लेन करती थी, गावर सर ने ले लिया, गावर सर ने ले लिया, अभी गावर सर बाकियों के भी ले रहे हैं। ये चीटिंग है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है। अमित सेठ साहब के पास जा रहा हूं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, आज का टॉप कॉल जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, इनफैक्ट एक्सिस बैंक मेरे भी टॉप रेडार में था। इट्स अ गुड स्ट्रक्चर, बट ठीक है, कवर हो गया, इट्स नथिंग, तो अच्छी बात है। इनफैक्ट इसके बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है, दैट इज आईओसी। आईओसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने 74 से 76 के लेवल पे एक अच्छा बेस बनाया है। पिछले 2 से 3 महीनों में हमने देखा जब भी इस लेवल में आता है एक अच्छा यहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, और कल के सत्र में हमने देखा कि पिछले 10 दिन के कंसोलिडेशन को आईओसी ने क्रॉस किया है। पिछले 10 दिनों से 76 से 78 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और 10 डेज का हाई कल इसने टेकआउट कर लिया, तो मुझे लगता है नियर टर्म में इसमें एक मोमेंटम रहेगा। इसका प्राइस 78.55 का है, टारगेट्स 83 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 77 का रहेगा। ओके, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और बैंक्स बेसिकली आज जो बाय आ रहे हैं वहीं पर आ रहे हैं। शर्मिला जी के पास चलते हैं और एक फंडा कॉल ले लेते हैं। शर्मिला जी, गुड मॉर्निंग, आपकी स्टॉक पिक। मुझे लगता है कि जो न्यूज आई है टाटा मोटर्स की तरफ से, यू नो, विद द बिग इन्वेस्टमेंट दे आर प्लानिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 1500 करोड़ पाउंड की बात हो रही है, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि और 2 जीरो ऐड करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट टू रुपीस। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह का बड़ा आउटले वो करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और वो भी लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, तो वो एक काफी पॉजिटिव रहेगा। एंड जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि नेट पॉजिटिव वो रहेंगे ना इन 4-5 इयर्स, तो मुझे मुझे लगता है कि फोकस वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है, और उनके अभी जीएलआर और जैगवार के जिस तरह के नंबर्स हमने देखे, लैंड रोवर के नंबर्स देखे, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड 1-2 साल के बाद अच्छे नंबर्स आने चालू हुए, एंड ऑन द बैक ऑफ दैट दिस बिग अनाउंसमेंट, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।